Assalamualaikum. Hope you all are doing well. So this is Atruba Sayed. So today I'm gonna share with you guys my makeup box. और जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैंने अपनी कुछ स्किन केयर और हेयर केयर के प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर की थी. जिन्होंने नहीं देखा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, वो जाके लाजमी देखिए. और ख़ास तौर पे जहाँ मैंने इसमें बताया था अपने इस ऑयल की रेमेडी, जिन्होंने इस ऑयल के बारे में जानना है कि इसमें मैंने क्या क्या मिक्स किया है. और वो लास्ट वीडियो में मैंने ये बोलना भूल गई कि मैं मेथी दाना डालना भूल गई, तो वो डालना अभी रहता है इसमें, क्योंकि मेथी दाना मुझे डालना याद ही नहीं रहता. तो जैसा चल रहा है काम चला रहा है. तो इसकी रेमेडी जिसको देखनी है वो लास्ट वीडियो मेरी जाके देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी. और ये फॉर हेयर ग्रोथ एंड हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा है, मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, सो काफ़ी यूज़फुल है. उसके अलावा मैंने ये एक ड्रॉ शेयर की थी और बाकी ड्रॉस रहने दी थी, नहीं शेयर की थी, टाइम नहीं था और बहुत लंबी वीडियो हो जाती तो आप लोग बोर हो जाते. तो ये वाली वीडियो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, पार्ट वन देख चुके हैं इसका. लिमिटेड मेकअप है वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, और कौन सी चीज़ यूज़फुल है और कौन सी चीज़ यूज़फुल नहीं है तो वो भी मैं आपको बताऊँगी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. यहाँ पे बच्ची मेरी ज़्यादा ज़ोर से बोलने से मेरी बच्ची उड़ गई थी सोते हुए, तो बाकी वीडियो बाद में रिकॉर्ड कर लेंगे, पहले इसको सुला देते हैं. ओके, मैंने रिंग्स तो पहनी हुई थी, सोचा घड़ी भी पहनूँ, थोड़ा अच्छा सा रिप्रेजेंट करूँगी, बर्तन धो के आ रही हूँ. जी इस बॉक्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं. बॉक्स जो है ना, ये मेरा क्रिस्टल का बॉक्स है, इसको मैंने जानबूझ के क्रिस्टल का लिया था. ये बहुत सस्ता है ये, ठीक है, इसके मेरे ख्याल में 2000 प्राइस है. और ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मुझे सामने सारा मेकअप दिख जाए और जल्दी जल्दी मैं सारा कर लूँ. मुझे ना बस पसंद है क्रिस्टल, मेरी ऑलमोस्ट चीज़ें ना क्रिस्टल की होंगी. ये भी क्रिस्टल का है तो ये भी क्रिस्टल का है. अब मैं इसके अंदर की सेटिंग बताती हूँ मैंने क्या किया हुआ. इससे अच्छा ना मेरा ना वो क्या कहते हैं, मेरा मेकअप ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा, मैं आपको दिखाती दिखाती. तो इस बॉक्स को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि यहाँ इतनी ऑलरेडी चीज़ें रखी हुई हैं तो ये फैल जाएगा. ओके जी, हमने बॉक्स बेड पे रख लिया है ताकि जो है ना मैं यहाँ पे सारी चीज़ें फैला सकूँ आराम से, वहाँ पे चीज़ें गिरने का टूटने का खतरा था. अच्छा, सबसे पहले मैं अपने बॉक्स को खाली करके एक चीज़ दिखाती हूँ आपको. सोचा कि दराज उस दिन मैंने कल लास्ट वीडियो में दिखाई थी आपको कि इसके अंदर मेरी किट्स हैं, तो जो है किट्स भी मैं निकाल ही लेती हूँ. अच्छी बैक का ब्रशेस बैक, ठीक है, ये सारे ब्रशेस जो है इसमें रखे हुए थे, मुझे यूज़ करने होते हैं, मैंने निकाल के सारे रखे हैं और इसको मैंने बंद कर दिया. ब्रशेस रोज़ मेरा यूज़ के हैं, ये ब्रशेस हैं, तो इसको भी हम सेट कर देते हैं. ओके जी, खाली कर दिया मैंने बॉक्स. और ठीक है, बॉक्स मेरा कुछ इस तरह का है और ये मैंने क्रिस्टल का जो है एक मेकअप ऑर्गेनाइज़र होता है उसको इसके अंदर रखा हुआ था और इसके अंदर सब कुछ सेट किया हुआ था. अब ये जब मैं सेट करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी, ये दिखने में कितना छोटा लग रहा है लेकिन इसमें कितना अच्छे खासी स्पेस है और कितना अच्छा खासा मेकअप आ जाएगा जब मैं सेट करूँगी तो आपको पता चल जाएगा. अच्छा जी, ये है मेरा सारा मेकअप, ये सारा मेकअप इसके अंदर था सिवाय इन किट्स के, ठीक है. किट्स सब बहुत गंदा हो रहा है, सब बहुत यूज़ हो चुका है तो इस वजह से इसको हम इग्नोर करेंगे, सिर्फ प्रोडक्ट की बात करेंगे. ओके जी, सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंडेशंस की. तो मेरे पास यहाँ पे चार फाउंडेशन है, तीन बेबी क्रीम है, सॉरी वन फाउंडेशन है, तीन बेबी क्रीम है और ये एक मिस रोज़ का कंसीलर है विच इज़ टू बेस्ट. मतलब ये बहुत ज़बरदस्त है, इसको मैं लाइट से अपने डार्क सर्कल्स पे लगाती हूँ तो बहुत अच्छा खासा कवर हो जाता है और ये इसको टाइम लग रहा है फोकस होने में, सो लेट इट बी. सबसे पहले मेरे पास एमली का फाउंडेशन है, ये वाटर प्रूफ है फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत अच्छा है. ये मैं बहुत हैवी फाउंडेशन होती है जब लगा देती हूँ, जब किसी इवेंट वगैरह पर जाना होता है इसको मैं डेली यूज़ के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करती, पूरी बॉटल एज इट इज़ रखी हुई है तो बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं फाउंडेशन वगैरह, वैसे भी बहुत कम यूज़ करती हूँ. और सबसे पहले मैंने ली थी ये वाली बीबी क्रीम. मेकअप मैंने यूज़ करना तकरीबन 3 साल से यूज़ करना शुरू किया, 3 साल में मैंने बस कुछ फाउंडेशंस ली हैं, बाकी ख़त्म हो गई हैं और बाकी फेंक दी मैंने जो बेकार थी, ठीक है. तो सबसे पहले मैं बताऊँ इसकी ये एज परफेक्ट की जो है लॉरियल की बेबी क्रीम, मतलब ये बहुत अच्छी है. ये मुझे यूज़ करते हुए तकरीबन इसको 5 साल हो गए हैं, तो ड्रॉप्स लगाती हूँ ताकि ये ख़त्म ना हो, ये मुझे बहुत पसंद है. फोकस क्यों नहीं हो रहा, ये एज परफेक्ट की मेरे ख्याल में ये अब मिलेगी भी नहीं, अब तो इसके अल्टरनेट बहुत सारी बीबी क्रीम्स आ गई हैं, मैंने ये बहुत ढूंढी, मुझे ये दोबारा फाउंडेशन सॉरी बीबी क्रीम दोबारा नहीं मिली. लेकिन इससे ज़्यादा परफेक्ट मैंने बीबी क्रीम नहीं देखी, इतना ग्लो, इतनी खूबसूरत, इतना लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करती है ये बीबी क्रीम, मतलब आई लव इट. इसके बाद मुझे मिली नहीं, इसके बाद ये मेरी फर्स्ट नंबर पर है.
ये भी बहुत अच्छी है। लॉरियल की सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। लॉरियल की जो मैजिक स्किन ब्यूटीफायर है ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये मैंने इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं की, ये भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन इसका जो असल में प्रॉब्लम है ना मेरे साथ, ये प्रॉब्लम है कि इसका जो नंबर है ना वो एक नंबर बड़ा आ गया, मतलब ज़्यादा डल आ गया, सॉरी। और ये 21 है, वो 22 है, तो ये भी अच्छा है। बस ये कलर कॉम्प्लेक्शन से मेरा थोड़ा सा डार्क है, तो इस वजह से मैं इसको यूज़ नहीं करती। इस करते ये टॉप फेस की जो है बीबी क्रीम की, ये जो है बोनान्जा सतरंगी का ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है, बट फ्रेश कर देता है फेस, अच्छी है ये भी, लॉन्ग टाइम स्टे करती है, बट वो वाला ग्लो नहीं आ रहा जो इस वाली बीबी क्रीम में आता था। इसके अलावा फेस पाउडर की बात करें तो मैं वैनिटी का वैटनी का फेस पाउडर यूज़ करती हूँ, तो वो जो है ना अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है। के बाद हम बात करते हैं टिंट्स की। सबसे पहले टिंट्स मेरे पास बहुत सारे मैंने खरीदे हैं, काफ़ी वेस्ट कर दिए, काफ़ी दे दिए, काफ़ी मतलब छोड़ दिए, तो मैं ये वाला टिंट यूज़ करती थी चिकहिट, ये मैंने लिया था आई थिंक 1500 का लिया था, और ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, वैसे हटाऊँ तो हट जाता है, मतलब बहुत बेकार है, फजूल। अच्छा, ये क्यूटीज का है, ये भी अच्छा है, लॉन्ग टाइम स्टे करता है, पहली बात तो ये मुझे इसकी बात अच्छी लगी। इसकी कंसिस्टेंसी वाइट कलर का एक तो, और वो लग जाता है पिंक कलर का, तो बंद ही कर देते हैं। इसके बाद है ये वाटरमेलन, ये आजकल बहुत हिट हुआ हुआ था ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे, तो मैंने ये मंगवाया था, लेकिन ये बहुत बेकार है। इसके प्राइस भी कुछ 1000-1500 की हैं, लेकिन बहुत बेकार है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा, अगर आप लिप्स पे लगा लें तो खा जाएं, लेकिन जो है ना ये स्टे नहीं करता ज़्यादा टाइम तक, और बस ठीक है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, सो बेकार है, ठीक है। उसके अलावा जो है ये है, मैंने मंगवाया था हुदा ब्यूटी का, पत्नी किस चीज़ का है, हुदा ब्यूटी है, उस पर आ रहा था ब्रांड, लेकिन इस पर कहीं पे भी हुदा ब्यूटी नहीं लिखा हुआ, ये मैंने दराज से मंगवाया था। इसके प्राइस बहुत चीप है, बट ये बहुत अच्छा है, ज़्यादा देर तक स्टे करता है। अच्छा, मैंने चीज़ नोट की है, प्राइस पर मत जाया करें, जो चीज़ अच्छी हो जाए ना बस वो आप ले लिया करें, प्राइस कहीं कहीं काम आते हैं वाकई, लेकिन जो है ना अब ये मैंने इतना महंगा लिया, मैंने 1500 का लिया ये, और ये बिल्कुल पूरी की पूरी ट्यूब ऐसी रखी हुई है, इतनी बेकार है, मतलब कि ये मतलब ज़रा भी यूज़ में नहीं आई, मतलब ये ना मतलब इतना डार्क कर देती है, एक तो मुंह पर जिन ना कोई ग्लो ना कुछ, और ऊपर से ना हट जाती है जल्दी, सो बेकार है। और ये भी बेकार है, ये बस इसका टेस्ट ही अच्छा है, बाकी ये बिल्कुल बेकार है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, मतलब इसकी इतनी वीडियो वायरल हुई थी इंस्टाग्राम पर, लेकिन किसी काम की नहीं है। इसके बाद ये जो मैंने मंगवाया था, ये मैंने ख्याल में 300 या 400 का कुछ मंगवाया था, और डीसी मेरे ख्याल में 99 या 150 थी, तो ये बहुत अच्छा है, आप दराज से देख लीजिएगा, हुदा ब्यूटी पे उस पर ब्रांड लिखा हुआ था, लेकिन इस पर यहाँ पे कहीं पे हुदा ब्यूटी नहीं लिखा हुआ था, सही है। उसके बाद ये लैशेज़ हैं, 3 लैशेस रखी हुई हैं, 2 जो है क्या कहते हैं लैशेस ट्यूब रखी हुई है। उसके बाद ये आई पेंसिल्स हैं, आई पेंसिल्स ये मैंने ब्लैक जो है उसके लिए होती है, आईब्रोज के लिए, ब्राउन जिसको लगानी है वो ब्राउन लगा दें, ब्राउन यूज़ करती थी ब्राउन के। मेरे पास ये जीना की जो है आई पेंसिल है, लेकिन जो है ना ये डार्क ब्राउन कलर है, ये मैंने ली थी 600 समथिंग, लेकिन जो है ये 700 की ली थी, लेकिन जो है ना ये जल्दी ख़त्म हो गई। अच्छी है, बहुत अच्छी है, इसका ब्रश भी बहुत अच्छा है, सो ये बहुत अच्छी है, लेकिन इसका जो है जल्दी ख़त्म हो गई थी हमारा। उसके बाद जो ये मिस्रोज का है आईलाइनर, आई थिंक यस आईलाइनर है, यहाँ पे जो है ना वो भी दिया हुआ है डायरेक्ट, आप जो है ना छाप भी सकते हैं, लेकिन मैंने आज तक ये यूज़ नहीं किया क्योंकि हमें अपनी मुताबिक शेप बनानी पड़ती है, सो ये मेरे लिए बेकार है, लेकिन मैंने इसका आईलाइनर यूज़ किया है, तो उसका मोटी पिन है, सो ये भी अच्छा है, ज़्यादा मैट नहीं है, बस इसका ये प्रॉब्लम था मैट नहीं है, तो मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, मुझे फिर दूसरा लेना पड़ा, मैंने फिर गैबरेनी का लिया था आईलाइनर, वाटरप्रूफ है और अच्छा है। इसके प्राइस मेरे ख्याल में 1200 समथिंग है, ये अच्छा है गैबरेनी का, ब्लैक चार्ट ब्लैक कलर है, ये बहुत प्यारा है, ठीक है, ये भी आप ले सकते हैं। मैंने ये पेंसिल ली थी, आई थिंक क्रिस्टाइन की पेंसिल ली थी ये, लेकिन ये मैंने ली थी आईब्रो के लिए, काजल पेंसिल है सॉरी, आईब्रो के लिए ली थी, लेकिन आईब्रो के लिए मुझे डार्क ब्राउन ही कलर सूट करता है, या फिर मैं अपनी बच्ची के आईब्रो बनाने के लिए ये पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। उसके अलावा हम बात करते हैं मस्कारा की, यहाँ पे मेरे पास है ट्विंकल रेजर, कभी मुझे एमरजेंसी में फेस वैक्स ना कराया हुआ तो मैं ये ट्विंकल रेजर यूज़ कर लेती हूँ। मैंने मस्कारा भी बेइंतहा के ख़रीदे हैं, लेकिन बात वो ये है कि आप चीप प्राइस में भी ख़रीद सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है मेरी तरह बेवकूफ़ी करने की कि महंगी चीज़ देंगे तो ज़्यादा अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। मैंने ये 1000 समथिंग का लिया था, मैंने हाई फाई से ही मंगवाया था, लेकिन ये ड्राई निकला। उसके बाद मैंने एसेंस का ये वाला लिया था, तो ये भी मैंने 1200 का लिया था, लेकिन ये भी बेकार निकला। उसके अलावा मैंने गैबरेनी का लिया था, गैबरेना का अच्छा है, लेकिन ये वाटरप्रूफ नहीं है, और ये जो है ना आइस ब्लैक कर देता है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, आइस ब्लैक कर देता है वॉश करने के बाद, बस ये मुझे चीज़ नहीं पसंद, तो फिर मैंने दूसरा लिया था
अच्छा इसके प्राइस बताऊँ तो ये तो बहुत ही बहुत चीप है, सबको ही पता होगा। बॉब का मस्कारा अच्छा है, बहुत बेस्ट है, होगा ये 300-400 का होगा। पहले ये 250 रुपीज़ का मिलता था, लेकिन अब ये जो है ना 300-400 का कुछ है, और ये बहुत अच्छा है, मतलब चीप प्राइस में मेरे ख्याल में ये इससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। उसके अलावा ये मैंने लिया था थोड़े से पैसे ज़्यादा डाल के, मतलब ये मेबेलिन का स्काई हाई मस्कारा, आई थिंक मैंने इससे ज़्यादा अच्छा मस्कारा नहीं देखा। इसके प्राइस थोड़े से हाई हैं, लेकिन बहुत बेस्ट मस्कारा है, वाटर प्रूफ है, इतना ज़्यादा वाटर प्रूफ है कि जब तक आप इसको मेकअप रिमूवर या किसी ऑयल से नहीं उतारेंगे ना तो ये नहीं उतरेगा, और बहुत अच्छा है। बहुत इसके बाद ये लगाने के बाद आपको लैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक इसके प्राइस 3000 है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, यू कैन यूज़ इट। नेल पेंट से ठीक है, सूफी आर्ट्स लेके मैं नेल पेंट चूज़ करती हूँ मोस्टली, और एक टोनी एंटीना का, ये भी अच्छा टोनी एंटीना ठीक है, ये मेरे सिंपल। अच्छा कुछ काफ़ी लिपस्टिक्स मेरी ना मिस हुई नहीं है, कुछ बैग्स में हैं, कुछ कहीं हैं, कुछ कहीं हैं, तो अभी जो फिलहाल सामने थी वही मैंने निकाल दी। बहुत न्यूड्स कलर ज़्यादातर यूज़ करती हूँ मैं। इसके अलावा जो है ना ये मेरे पास लिप शेडोज़ हैं, लिप पेंसिल्स हैं, और लिप ग्लोज हैं, और ये मैट है, मैट बेकार लगता है, मैं ये यूज़ नहीं करती। अच्छा मुझे जो इसमें से सबसे ज़्यादा पसंद है ना, सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये है फ्लारमोर की, जो है ना फ्लारमोर है, पता क्या फ्लारमोर वट एवर। सो ये जो कलर है ना प्लीज़, ये मुझे इतना पसंद है। इसका कलर नंबर क्या है, 405, सॉरी ये 405 जो इसका नंबर है फ्लारमोर की, फ्लारमोर है या फ्लारमेर है वॉट एवर, ये ब्रांड बहुत अच्छा है और ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्रांड भी नहीं है। इसका नंबर फोकस नहीं हो रहा, तो ये जो 405 इसका नंबर है, और ये इतनी सी हो गई, इतनी बड़ी पेंसिल में लेकर आई, जिसको मैं इतना चुना चुना यूज़ करती हूँ कि ख़त्म ना हो जाए, मुझे कहीं पे भी दोबारा नहीं मिल रही, तो बहुत 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 पसंद है। मैं ये डेली लगाती हूँ, मतलब इतना चुना चुना लगाती हूँ ख़त्म ना हो जाए। इसके अलावा मैंने यही सोच के ये वाला इसका कलर लेने की कोशिश की थी, मुझे ये वाले कलर्स न्यूज बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इस तरह के मुझे मतलब इस तरह का दोबारा कहीं मिला ही नहीं, और जो भी लेती हूँ ना ये मुझे पसंद नहीं आता। इसके अलावा मुझे ये वाला लिप ग्लॉस बहुत पसंद है, ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, और मुझे ये भी दोबारा कहीं नहीं मिला। जो चीज़ पसंद आती है ना वो दोबारा मुझे पता नहीं कहीं क्यों नहीं मिलती। समझ डार्क वगैरह किसी इवेंट वगैरह में लगाती हूँ मैं, नॉर्मल नहीं लगाती। ये मैंने ली थी आई थिंक गैबरेनी की ही ली थी, एक दफ़ा गई थी गैबरेनी के ब्रांड पे, तो मैंने जाके ना एक साथ सारी चीज़ें उठा ली थी। तो उसके अलावा मेरे पास ये कुछ हाइलाइटर्स हैं, ये भी मैंने सीना से लिया था सबसे पहले, तो आई लव इट हाइलाइटर्स, आई लव हाइलाइटर्स। ओके ये वाला हाइलाइटर ठीक है, इससे भी अच्छा मेरे पास हाइलाइटर है ये वाला क्लैजॉन का, ये मैंने चेस से लिया था ठीक है। इसके प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, बहुत पहले लिया था, आई थिंक मैंने 3-4 साल तो हो गए, उस टाइम मैंने 250 रुपीज़ का लिया था, 250 रुपये का, तो ये बहुत अच्छा है। और इससे महंगा मैंने ये वाला हाइलाइटर लिया था, आई थिंक पता नहीं कितने का, 700 या 800 का, पता नहीं कितने का लिया था। तो ये जो है ना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं जितना वो क्लैजॉन का अच्छा, तो मुझे तो ज़्यादातर सस्ती चीज़ें ही सूट करती हैं। उसके अलावा मेरे पास ये है मेरी फेवरेट किट है, इसकी हालत से पता चल रहा होगा आपको कि जो है कितनी मेरी फेवरेट किट है, क्योंकि इसमें जो कलर्स हैं ना मेरे सारे फेवरेट हैं, सारे शिमर्स हैं, बट बहुत बहुत अच्छे हैं ये हैं। इसमें जो डार्क ब्राउन कलर है ना ये वाला ये इतना अच्छा है कि मैं इससे आराम से न्यूड आइज़ बना लेती हूँ, स्मोकी आइज़ बना लेती हूँ सॉरी। इसका बहुत बहुत अच्छे कलर्स हैं, किसका ब्रांड है, कहाँ से मुझे गिफ्ट मिला था ये, किसी ने मुझे बाहर से ला के दिया था यूके से, तो जो है ना बहुत पहले, अब ये मुझे यहाँ पे कहीं नहीं मिलता, तो ये बहुत अच्छा है। उसके अलावा मेरे पास ये है न्यूड किट, ये भी बहुत अच्छी है। मेकअप का शौक़ है लेकिन बस इतना है, ऐसा है कि बस जितने बजट के मुताबिक ओके, इतनी ज़्यादा ये भी यूज़ नहीं की हुई। इसमें सब कलर्स हैं, इसमें शिमर्स भी हैं, इसमें न्यूड्स भी हैं, इसमें डार्क भी हैं, और इसमें एज अ कंसीलर भी है, तो देख सकते हैं। मेकअप से मेरा हाथ बहुत ख़राब हो चुका है, मैं इस किट को उठा के दिखाऊं तो इसमें शिमर भी हैं बहुत प्यारे, और इसमें जो है ना कंसीलर भी है, और सारे न्यूड कलर हैं। इसमें मैंने जो सीक्रेट कलर है ना ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, और इसके जो डे ड्रीम क्रेव ये सब भी बहुत कलर्स अच्छे हैं, और फैंटेसी ओ माय गॉड बहुत मज़े के ठीक है। ये मेरे ख्याल में है मिस रोज़ की, है मिस रोज़ की न्यूड किट है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मैंने किट यूज़ की ना वो ये है फाल्कन हील, बहुत उसकी हालत से पता चल रहा होगा, वाइट है ना, गंदी तो होनी है भाई, दराज में रखी हुई थी। सबसे ज़्यादा इसमें ब्लैक मैंने आई शेडो यूज़ किया हुआ है, ये ऐसा ब्लैक है कि मैं इसको आईब्रो पे लगाती हूँ, जिसकी हालत से पता चल रहा है कि मैं डेली लगाती हूँ और डेली ही यूज़ करती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। इसके अलावा इसमें जो ये वाला ब्राउन है ना ब्लैक के बराबर वाला, तो ये वाला भी मैं बहुत यूज़ करती हूँ एज अ आई शेडो,
और उसके अलावा ये वाला ब्राउन भी बहुत यूज़ करती हूँ, ये वाला मैं डार्क कलर ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये बाकी लाइट कलर्स भी हैं, बहुत खूबसूरत कलर्स हैं, बहुत अच्छे कलर्स हैं, मतलब ये इतनी अच्छी किट है ना कि मैं इसको हर तरीके के इवेंट में यूज़ कर लेती हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है, मेरी बेस्ट एंड फेवरेट किट है। इसको रख देते हैं। इसके बाद मेरे पास है ये मिस रोज़ की जो है ये ब्लश ऑन किट है। इसके होते हुए फिर मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मेरे पास ये सारे ब्लश ऑन शेड्स हैं और इसके अंदर ये सारे कंट्योरिंग कलर्स भी हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं इसमें से, कंट्योर भी ब्लश भी। ओके, इसके बाद ये फाइनल टच की है। अगर किसी को मेकअप सीखना हो, सबसे पहले मैंने इस फैल्कम के बाद ये वाली ली थी फाइनल टच, क्योंकि इसमें सारे ऑलमोस्ट कलर्स हैं और बहुत अच्छी किट है ये, ठीक है। मैंने इसमें से जो है ना कलर्स यूज़ करना शुरू कर दिए। मैं आई शेडो पे आईब्रो पे यूज़ करती हूँ ये वाला, और ये वाला सब मिक्स करके यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छे फंकी कलर्स भी हैं, सारे शिमर कलर्स भी हैं, तो आई थिंक जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो ये ले लें। मेरे ख्याल में ये 1000 या 1500 की कुछ है, तो ये बहुत अच्छी है और इसमें सारे कलर्स हैं 1000 या 1500 की। अब हो चुकी, क्योंकि 1000 की तो मैंने बहुत पहले ली थी, तो ये ऐसी कुछ होगी। इसके अलावा यहाँ पर हमारी वीडियो मेरे ख्याल में कम्प्लीट होने वाली है। और जो है ना ये है लिपस्टिक शेड, ये मुझे किसी ने गिफ्ट की थी, लेकिन ये बिल्कुल यूज़फुल नहीं है, बिल्कुल बेकार है, इतनी चीपी चीपी इसके है, इतना गंदा टेस्ट है। तो लिपस्टिक का टेस्ट होना भी तो अच्छा है ना, होना चाहिए ना, अच्छा होना चाहिए ताकि जो है लगी रहे तो बुरी ना लगे, मतलब इससे लिप्स इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। सो ये बिल्कुल बेकार है, ये ऐसी की ऐसी रखी हुई है। मैं कभी कभार इसको एज आई शेडो यूज़ कर लेती हूँ, कहीं ना कहीं ऐसी है कि अभी मैं इसको यूँ करूँगी ना शायद गिर भी जाए, लेकिन खैर इतने भी नहीं है। ओके जी, ये थी हमारा आज का सारा मेकअप वीडियो। अब मैं इस मेकअप को सब इस बॉक्स में सेट करके दिखाती हूँ आपको। ओके जी, एज यू कैन सी कि मैंने सारा मेकअप इसके अंदर रख दिया, बल्कि 2-3 एक्स्ट्रा किट्स मैंने इसी के अंदर रख दी, जो मैंने इस दराज के अंदर रखी हुई थी। तो जो बड़ी वाली किट्स हैं वो मैंने वापस अंदर रख दी, क्योंकि मैं ये डेली यूज़ नहीं करती, किसी इवेंट वगैरह में ही काम आती हैं, तो ये मैंने वापस अंदर रख दी दराज के अंदर। बाकी जो मेरी डेली यूज़ की वो मैंने किट्स इसी के अंदर रख दी, और ये आराम से बंद भी हो जाएगा, ठीक है ना, ये आराम से बंद भी हो जाएगा। और ये थी मेरी आज की वीडियो, होप सो आप लोगों को पसंद आया, और अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर कोई चीज़ पसंद आया या जिसके बारे में जानना हो या किसी का डिटेल रिव्यू चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं।